गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुंबई ब्लॉगर नेहा। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि घर पे कंसीलर कैसे बना सकते हो आप लोग। बहुत ही इजी तरीके से कंसीलर आप घर पे बना सकते हो, वो भी बहुत ही कम दाम में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बजट में आपके होगा। आप सबको पता ही होगा कि कंसीलर कितना ज़्यादा कॉस्टली होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है मार्केट में अगर हम लेने जाए तो। सो फाउंडेशन से भी ज़्यादा महंगा हमें कंसीलर पड़ जाता है अगर हम खरीदने जाते हैं तो। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे स्किन टोन का कंसीलर हमें मिलता ही नहीं है। सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हमें अपने स्किन टोन का कंसीलर ढूंढने में, यानी हमारा जो स्किन टोन होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना कंसीलर ढूंढते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि मिलता ही नहीं है। और कंसीलर का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि अगर हम कभी डे में मेकअप कर रहे हैं, यानी कि डे मेकअप हम कर रहे हैं और हमें फाउंडेशन नहीं लगाना है, यानी कि हम फाउंडेशन को अवॉइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि कंसीलर जो है हमारे डार्क सर्कल्स को, हमारे जो डार्क एरिया होते हैं उनको बहुत ही अच्छे से हाइड कर देता है। यानी कभी कभी क्या होता है कि हम जब जल्दी में होते हैं और अपना डे मेकअप करते हैं तो हमें लगता है बहुत ही लाइट सा और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्मूथ मेकअप हम चाहते हैं करना। जिसमें फाउंडेशन आता है और फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा हैवी फील करता है। बहुत ही अच्छा आइडिया है, अगर आप कंसीलर यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इजीली तरीके से आप कंसीलर यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी भी होता है कंसीलर यूज़ करना। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप घर पे अपने स्किन टोन का कंसीलर कैसे बना सकते हो बहुत ही सस्ते में। यानी 10 रुपीज़ में आप कंसीलर अपने घर पे तैयार कर सकते हो। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही ज़्यादा सस्ते में आपका कंसीलर बनने वाला है और बहुत ही ज़्यादा सस्ता, और वो भी आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग, कि आपका जो भी स्किन टोन होगा आप उसके अकॉर्डिंग अपने कंसीलर को तैयार कर सकते हो घर में। और बहुत ही सस्ता पड़ने वाला है ये कंसीलर और काम बहुत ही अच्छा करेगा, यानी कि इसका जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल मार्केट के कंसीलर जैसा ही होगा। यानी ये कंसीलर जो हम तैयार करने वाले हैं उसका रिजल्ट तो आप खुद ही देख लेंगे, लाइव में आपको दिखाने वाली हूँ उसका रिजल्ट कि कितना ज़्यादा अच्छा उसका रिजल्ट है। बिल्कुल मार्केट के कंसीलर जैसा ही ये वर्क करने वाला है, आपको रिजल्ट देने वाला है जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो। और जब मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में होती हूँ, मुझे कहीं जाना होता है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, सो मैं कंसीलर अप्लाई करना ही बहुत ज़्यादा ईजी समझती हूँ, क्योंकि हमारे स्किन का जो डार्क एरिया होता है वो हम कंसीलर की हेल्प से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हाइड कर सकते हैं। और कभी फाउंडेशन नहीं भी लगाना हो तो ओनली कंसीलर से हम अपना मेकअप डन कर सकते हैं, यानी कि अपने मेकअप को कम्प्लीट कर सकते हैं। कंसीलर यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, जस्ट आपके फेस के डार्क एरिया में अप्लाई करना है एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप डैप करना है, दैट्स इट। और फिंगर की हेल्प से भी आप कर सकते हो, बहुत ही इजी होता है उसे ब्लेंड करने में। और कंसीलर को पूरे फेस पे हम नहीं यूज़ करते, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। सो कंसीलर को हम ओनली अपने डार्क सर्कल्स पर्पल्स के जो भी दाग होते हैं उसको हाइड करने के लिए ही यूज़ करते हैं, फुल फेस के लिए नहीं यूज़ करते हैं। और बहुत ही अच्छा कवरेज देने वाला है ये कंसीलर। आप लोग ये कंसीलर जरूर ट्राई करना और आप लोगों को 100% पसंद आएगा ये कंसीलर। तो ज़्यादा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, मतलब कि 400-500 का हमें कंसीलर पड़ जाता है। और एक बिगनर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो 400-500 का ओनली कंसीलर लेगी, तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती है, क्योंकि 500 की बजट में तो हम अपना पूरा मेकअप किट तैयार कर लेंगे, जो भी बिगनर्स और टीनेज है। क्योंकि मैं भी जब बिगनर्स थी, यानी कि जब मैंने जस्ट स्टार्ट किया था अपना मेकअप करना, मैंने शुरुआत की थी मेकअप की, मुझे भी बहुत ज़्यादा महंगी लगती थी 200-300 की प्रोडक्ट्स। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करती थी कि मैं कुछ चीज़ें घर पे ही बना लूँ, और मैं यूट्यूब की वीडियोस भी देखती थी बहुत सारी, कि जो भी DIY हो, होममेड हो, मैं जो भी जितना ज़्यादा पॉसिबल हो मैं वो सारी चीज़ें, मेकअप की चीज़ें मैं घर पे बना सकूँ, कुछ कम चीज़ों में ज़्यादा सामान बना सकूँ। मैं ये हमेशा से ट्राई करती रही हूँ, और जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ सबसे पहले उसे मैं खुद ट्राई की होती हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जिस चीज़ का रिजल्ट मुझे 100% लगता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करती हूँ। कंसीलर मैं तैयार करने वाली हूँ, उसका लाइव डेमो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है इस कंसीलर का। आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि मैंने कंसीलर को कैसे बनाया है, उसका लाइव डेमो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ यूज़ करके। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं कि मैंने कैसे बनाया है कंसीलर। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक खाली कंटेनर ले रही हूँ, आप कोई भी कंटेनर ले सकते हो, आपके पास कोई भी डिब्बी होगी ऐसे टाइप की छोटी सी बिल्कुल, आप उसे यूज़ कर लें इस DIY कंसीलर को बनाने के लिए। मैंने एक कंटेनर ले लिया है, यहाँ पे नीट एंड क्लीन होना चाहिए, यानी कि बहुत अच्छे से आप उसको साफ़ कर लें।
उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। जो भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, जो भी मॉइस्चराइज़र आपके पास होगा या फिर कोई लोशन होगा या फिर कोई भी चीज़ में आप इसे बना सकते हो। सो हाफ़ टेबल स्पून मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ। आपको अपने अकॉर्डिंग बना लेना है, आपको जितनी क्वान्टिटी चाहिए अपने कंसीलर की उतनी आपको बना लेनी है। सो बस यहाँ पे मैंने आधा चम्मच मॉइस्चराइज़र लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट ले रही हूँ। कॉम्पैक्ट आप कोई भी ले सकते हो, बिल्कुल अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही आप कोई भी कॉम्पैक्ट यूज़ करें। अदरवाइज़ आप इसमें लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पॉन्स पाउडर या फिर कोई भी लूज़ पाउडर आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। सो मैंने इसको अच्छे से स्क्रैच कर लिया है, इसका पाउडर फॉर्म में हो गया है। सो मैंने अपने कॉम्पैक्ट को मॉइस्चराइज़र में ऐड कर लिया है, यानी कि जिस कंटेनर में मैं बना रही हूँ अपना कंसीलर उसमें इसको ऐड कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे जॉनसन्स बेबी का पाउडर ले रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून ले लूँगी मैं। जॉनसन्स बेबी पाउडर मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि ये सारी फेस पे बहुत ही अच्छे से सूट हो जाए, यानी कि ऑल स्किन टाइप को ये बहुत ही अच्छे से मैच हो, यानी कि ऑल स्किन टाइप के लिए ये कंसीलर है। सो इसमें मैं आधा चम्मच जॉनसन्स बेबी पाउडर भी ऐड की हूँ। आप कोई भी लूज़ पाउडर ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आपको थोड़ा सा ड्राई लगे, सूखा सूखा सा लगे, तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लें अपने मॉइस्चराइज़र को। बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद कुछ ऐसा रेडी होगा हमारा कंसीलर, जैसे कि आप देख रहे हो। बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, उसके बाद हमारा कंसीलर रेडी है। सो मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। यस, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से मेरा कंसीलर रेडी है। मैं आपको लाइव डेमो दिखा रही हूँ, यानी कि अप्लाई करके दिखा रही हूँ। और ये अभी थोड़ा सा वाइट वाइट लग रहा है, बट ये सेट होने के बाद बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा, यानी कि आपके स्किन टोन का हो जाएगा, बिल्कुल नेचुरल लगेगा। सो डिफरेंस आप खुद ही देख सकते हो कि दोनों हाथ में मेरे कितना ज़्यादा डिफरेंस है, जिसमें मैंने कंसीलर अप्लाई किया है और जिसमें नहीं किया है। सो बिल्कुल इसी तरह आपके फेस पे भी बहुत ही अच्छा सा ग्लो आने वाला है कंसीलर यूज़ करने के बाद। आपके जो भी डार्क सर्कल्स होंगे वो बहुत ही अच्छे से हाइड हो जाएंगे। सो आप इसको 5 से 6 महीने तक स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप लोगों ने देखा कि कितना ज़्यादा अच्छा अमेजिंग कंसीलर हमारा बना था घर पे, वो भी लाइव डेमो भी मैंने आप लोग को दिखा दिया। तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि कंसीलर कितना ज़्यादा यूज़फुल है और कितना ज़्यादा हेल्पफुल हुआ ये कंसीलर बनाना। सो बहुत ही अच्छे से आप भी ऐसे बना सकते हो घर पे कंसीलर, और बहुत ही इजीली तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। इसे ब्लेंडिंग करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, यानी कि बहुत ही आसान होता है इसकी ब्लेंडिंग भी, तो बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाता है और हमारे फेस पे बहुत ही अच्छा सा निखार देता है कंसीलर। सो कंसीलर आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। कभी भी आप कोई भी मेकअप कर रहे हो, अगर आप कुछ भी नहीं यूज़ करें बट आप कंसीलर ज़रूर यूज़ करें, ताकि जो आपका मेकअप हो, जो भी आपका फेस हो, वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन लगे और जो भी आप मेकअप करो वो बहुत ही ज़्यादा निखर के दिखे और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगो। आई होप मेरी वीडियो यूज़फुल रही हो आप लोग के लिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही। अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचते रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मैं मिलती हूँ आप लोग को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग घर पर रहिए, सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपना और अपनी फैमिली का। और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आप लोग मेरे चैनल पर देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।